वाह, पचासवीं। अरे यार मगन लाल जी, एक बात बताओ जी। डिस्पेंसरी 10 बजे शुरू होती है यस, और तुम सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक सफाई करने की बजाय मक्खियां क्यों मारते हो? सर ये मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है। बिजनेस जी, मक्खियों से क्या बिजनेस हो सकता है? अरे सर 5 पैसे की एक मक्खी बिकती है। हाँ ये देखिए 10 रुपए का माल इकट्ठा हो गया। मैं केक खा रहा हूँ, मक्खियां पास ला रहा। सॉरी, मक्खियां खरीदता कौन है? ये सामने बेकरी वाला। मक्खियों का बेकरी वाला क्या करता है यार? सर बंबई में किशमिश तो मिलता नहीं, इसलिए मक्खियों को शक्कर के पानी में डुबोकर केक के ऊपर लगा देते हैं, ताकि केक खाने वाला मक्खियों को किशमिश समझ के खा जाए। कितनी बड़ी 400 बीसी करते हैं। बिल्कुल। मेरे लिए केक कभी उस बेकरी से मत लाना। सर ये जो केक आप खा रहे हैं ये उसी बेकरी का है। अच्छा अच्छा। सत्यमेव जयते डॉक्टर साहब। आइए आइए आइए। अरे कितनी बार है, क्या बात है? मेरा नाम झोकुमल मखमल प्यारेलाल है। अच्छा अच्छा, ये आपका अकेले का नाम है कि पूरे खानदान का? मेरे अकेले का नाम है। मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है इस शहर में कि तुम बेइलाज का ऐसा इलाज करते हो कि वो लाइलाज हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि तुम मेरा इलाज कर दो। हंसने की बीमारी है क्या? मुझे हंसने की बीमारी नहीं है, मुझे सच बोलने की बीमारी है। सच बोलने की बीमारी? ये तो नहीं है। अभी पिछले हफ्ते डॉक्टर साहब, मैं एक लड़की के साथ तो घर गया, तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि कहां से आ रहे हो, तो मैंने सच सच बता दिया कि मैं एक लड़की के साथ, तो मेरी बीवी ने मेरी अब वो पिछले एक हफ्ते से मेरे पीछे डाइवोर्स के पेपर लेके घूम रही है, मैं उसे घुमा रहा हूँ। मैंने ऑफिस के अकाउंट में गफला किया, मेरे बाप ने पूछा कि 1,00,000 रुपया कहाँ गया, तो मैंने सच सच बता दिया कि जुए में और लड़की के पीछे खर्च हो गया। तो वहां भी जूते पड़े। आप चाहते क्या है, मैं क्या करूं? हाँ तो डॉक्टर साहब, आप मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं सच बोलना छोड़ दूं। जी मगनलाल, इधर आओ। तुम कहाँ गए थे? जी वो डिलीवरी देने मक्खियों की। ओफ, कल से मैं इडली सांभर खाऊंगा, केक नहीं। सॉरी, वो पिछली बार एक पेशेंट आया था, मेहता। हाँ हाँ, वो जो एक कसम के साथ 100 झूठ बोलता था, वही मेहता। झूठ बोलते बोलते मर गया। मर गया है ना, तो हमने उसके शरीर से झूठ बोलने के कीड़े निकाले थे। हाँ वो फ्रिज में पड़े अकड़ रहे हैं। अकड़ रहे हैं ना जी। उन कीड़ों को एक इंजेक्शन में भर कर ले आओ, इनको लगाना है। हाँ जी, देखिए प्यारे लाल जी। प्यारे लाल नहीं, झोंकुमल मखमल प्यारे लाल है। अरे मखमल खटमल कुछ नहीं, प्यारे लाल बोलो, टाइम नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, ये इंजेक्शन लगाने के 200 रुपए लगेंगे, आप तैयार हैं? 200 रुपया देने के लिए तैयार हूँ डॉक्टर साहब, खाली मुझे सच बोलने की बीमारी से बचा लो। अब हंसते हंसते वहाँ लेट जाइए, फीस को भूलना मत। लीजिए सर, झूठ के कीड़े। ये ए भाई, वो 200 रुपया याद है ना? हाँ याद है डॉक्टर साहब, आप इंजेक्शन तो लगाइए। तो कूला ऊंचा करो, ये लो। ये कूला है कि पहाड़ है? ए, 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 ए। पूरी पी गया, पूरी पी गया। प्यारे लाल जी, 200 रुपये निकालिए। काहे के 200 रुपये? अरे वो 200 रुपये जो तय हुए थे, निकालो निकालो। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? इंजेक्शन देने से पहले 2 रुपया तय हुआ था, मतलब 200 पैसा, 200 रुपया नहीं। अरे वाह, ये झूठ का इंजेक्शन लगते ही झूठ का पहला बार हम पर। 200 रुपया निकालो निकालो निकालो। पलट गया, आवाज नहीं मांगता है, नहीं तो पुलिस को बुलवा कर दोनों को चीटिंग केस में अंदर करवा दूंगा। बदल गया समझे, झूठे मक्कार कहीं के। मांगता है तो 2 रुपया ले लो। अरे हम भिखारी हैं क्या? तो और क्या है, इसकी हंसी कहाँ गायब हो गई साले की? सर लगता है आपने झूठ का इसको ओवरडोज दे दिया।